जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए जो उपाय लेकर आई हूँ वो आपकी जिंदगी बदल देगा। ये ऐसा उपाय जिसके करने से आपको बहुत राहत मिलेगी, आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे, अटके हुए काम हैं, रुके हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। आपको बिजनेस में रुकावट आ रही है, काम नहीं चल रहा, संतान के प्रति परेशानी है, जो भी परेशानी हो, संतान ना हो रही हो, संतान से परेशानी हो, संतान जिद्दी हो गई हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो, उनकी जॉब नहीं लग रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है, आपका व्यापार से संबंधित, आपको पति पत्नी के रिलेशन से संबंधित यदि समस्याएं आ रही है, आपका आपस में मन मुटाव रहता है, आपकी बनती नहीं है, तो आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि बहुत कम पैसे का, जो कि कुल 20 रुपये में आप कर सकते हैं। मैं पहले भी कहती हूँ, जरूरी नहीं है कि हमें बहुत सारा धन खर्च करके ही अनुष्ठान करने हैं, पूजा करनी है, नहीं, भगवान छोटे से छोटे उपायों से भी प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारी भावना देखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे रुपए खर्च करें, जरूरी है बस इतना कि हमारी आस्था सही हो, हमारा विश्वास दृढ़ हो और अच्छे भाव से किया गया हो, किसी का बुरा करने के लिए नहीं किया गया हो। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ वो है पान का उपाय। पान जो कि कोई भी खरीद सकता है, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी और एक पैसे वाला व्यक्ति भी। तो ये उपाय है पान का। पान का पत्ता, मीठा पान, मैं पान के उपाय बता रही हूँ साथ में मीठे पान के भी उपाय बता रही हूँ। तो पान के पत्ता, हमारे जब कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है, प्योर बुध ग्रह है पान का पत्ता, क्योंकि ग्रीन होता है और सभी देवों को बहुत प्रिय है पान। आपने देखा होगा सभी देवता पर, चाहे दुर्गा माता हो, लक्ष्मी माता हो, हनुमान जी हो, कोई भी पूजा होती है पितरों के निमित्त, सब में पान का पत्ता जरूर चढ़ाया जाता है। पान का पत्ता खाने से भी हमारे जीवन के बहुत सारे जो कुंडली के दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। वो तो आजकल मॉडर्न आधुनिकता के नाम पर पान को खाना बंद करवाया जा रहा है, हो भी गया है नई पीढ़ी के, हमारे दांतों का कलर लाल हो जाएगा इसलिए नहीं खाते हैं। इस वजह से वो अपनी कुंडली के जो ग्रह उनको खुद से ही खराब करते हैं। ये सब विदेशी प्रवृत्तियां हैं जो चॉकलेट के नाम पर पान को खाने पर रुकावट बना रही हैं कि पान नहीं खाएं। वो लोग इस तरह की अफवाह भी फैलाते हैं कि ये मुस्लिम प्रवृत्ति है पान को खाना। अरे अगर ये मुस्लिम प्रवृत्ति होती तो हमारे सनातन धर्म में कैसे देवताओं को चढ़ाया जाता, कैसे चढ़ाया जाता? तो ये तो युगों युगों से पान का पत्ता, भगवान को बीड़ा का भोग लगाया जाता है। आप बांके बिहारी मंदिर में भी देखिए, निधवन में रात को भगवान को बीड़ा का भोग रखा जाता है और लड्डू रखे जाते हैं। तो बीड़ा का भोग तो दुर्गा माता को, ठाकुर जी को, सबको प्रिय है। लड्डू गोपाल जी की अगर आप सेवा करते हैं तो रात में सेवा करने से पहले, उनको सुलाने से पहले बीड़ा का भोग जरूर लगाया जाता है। तो फिर बीड़ा का भोग लगाने से हमारे बहुत सारे ग्रह दशा सही होते हैं। तो आज मैं आपको वही सारे उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपकी जो भी समस्या हो, आपको जो भी रिलेटेड समस्या हो, मैं उपाय बताऊंगी, आप उनको नोट कर लीजिएगा। जो भी आपको रिलेट करे समस्या, आप उसके मुताबिक उस उपाय को कीजिएगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन की सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा जरूर कि दीदी हाँ आपके उपाय बहुत लाभकारी थे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें डाउन टू अर्थ होना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हमेशा अपने आप को नीचा रख के चलना चाहिए। अगर हम हमेशा ऊपर रह के चलेंगे तो एक दिन हम चोट खाएंगे, नीचे गिरेंगे। तो उपाय भी करो, पूजा भी करो, तो हमेशा ऐसे करो छोटे छोटे, अपने बजट को देखकर। जब आर्थिक रूप से आप परेशान हैं तो इस तरीके उपाय करिए जो आपको लाभ दे, आपको परेशान ना करें, आपके जीवन की आर्थिक परेशानियों को और ना बढ़ाए। तो अब बता रही हूँ मैं आपको पान के अचूक उपाय। आपके जीवन में बहुत परेशानी चल रही हो तो आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना है और उस पर रखनी है थोड़ी सी केसर, देखिए ये केसर है ना, थोड़ी सी केसर के पत्तियाँ रखनी है और फिर इस पान के पत्ते को ले जाकर कहाँ चढ़ाना है, दुर्गा माता के मंदिर में माता दुर्गा को समर्पित करना है और अपनी परेशानी बोलनी है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपका धन रुका हुआ हो, किसी ने आपसे पैसा लिया है वो वापस नहीं दे रहा है, आपका कर्ज नहीं चुका पा रहे आप, तो आपकी धन से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो सब हल हो जाएंगी। बस आपको पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा माता को सोमवार के दिन चढ़ानी है और ये उपाय आपको कम से कम 7 सोमवार को करना है। आप देखेंगे ये चमत्कारी लाभ देगा आपको। अब आपको मैं बताती हूँ दूसरा उपाय। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन आगमन बना रहे आपके घर में, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, उसके लिए आपके घर में जो आपकी
पत्नी है या जो माँ है उनको एक कलश में जल लेना है और उसमें पान का पत्ता रखना है और फिर उस पान के पत्ते से ब्रह्म मुहूर्त में पूरे घर में छिड़काव करना है। यदि सभी लोग सो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी माँ या पत्नी जो भी हैं, जो भी गृहिणी ये देख रही हैं, वो उस पान के पत्ते से कलश में डालकर छिड़काव करें, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं बता रही हूँ तीसरा उपाय, पान के पत्ते पर यदि हम 5 मिठाइयाँ रखकर, पान के पत्ते पर 5 तरह की हमें मिठाई रखनी है और पीपल के पेड़ पर जाकर उसकी जड़ में रख देना है। कौन से दिन रखना है? शनिवार को। और ये उपाय किन लोगों के लिए है? ये उपाय है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर पितृ दोष चल रहा होता है, पंडित जिनकी कुंडली देखते हैं और बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो उनको ये उपाय करना है कि पान के पत्ते पर 5 तरह की मिठाइयाँ रखिए और पीपल के पेड़ की जड़ में शनिवार वाले दिन रखाइए। आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके पितृ शांत हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। अब बता रही हूँ आपको पाँचवा उपाय, पान के पत्ते पर पंचमेवा रखकर यदि आप दुर्गा माता को चढ़ाते हैं, पान के पत्ते पर पंचमेवा यानी कि 5 तरह की मेवा रखकर आप दुर्गा माता को चढ़ाते हैं तो आपको संतान से रिलेटेड जो भी परेशानी हो, उनका विवाह नहीं हो रहा हो, उनका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, उनकी जॉब ना लग रही हो, तो वो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो ये उपाय है संतान के लिए। अब बता रही हूँ छठवां उपाय, पान के पत्ते पर यदि आप सरसों का तेल लगा देते हैं, पान का ये पत्ता है, ये प्लेन पत्ता लेना है और इस पर लगा देना है हमें सरसों का तेल। सरसों का तेल आपने सीधी तरफ ही लगाना है, दोनों तरफ नहीं लगाना। फिर इस पर तेल लगाकर आपको अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको शनि दशा जो लगी हुई है जिन लोगों पर, उनको बहुत राहत मिलेगी। फिर इस पत्ते को ले जाकर कहाँ रख देना है आपको? किसी पेड़ के नीचे। इसको ऐसे ही नहीं फेंकना है कि किसी का पैर पड़े, बस 7 बार घुमाकर और इसको किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। आपकी शनि दशा ढैया जो भी लगी हुई है आपको इससे बहुत राहत मिलेगी। एक पान के पत्ते पर यदि आप अपनी कोई विश लिख दें सेहत से, जिसकी कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो, कोई बच्चा है, कोई लड़की है या कोई लड़का है, उनकी कोई इच्छा हो कि हमें लैपटॉप लेना है, हमें गाड़ी लेनी है, आपकी कोई भी इच्छा हो लेकिन इच्छा एक ही लिखनी है, जब तक वो पूरी ना हो जाए, तो आपको क्या करना है? पान का पत्ता लेना है, बिल्कुल कटा पिटा ना हो, फिर उस पर सेहत से एक डंडी लेकर उस पर विश लिख दीजिए अपनी और फिर ये सेहत लगा हुआ पत्ता पान का आप शंकर जी को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी, कौन से दिन चढ़ाना है? सोमवार को। इस उपाय को आप 7 बार करिए, 7 सोमवार को, आपके जीवन की ये जो परेशानियां हैं और आपकी जो विष है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अब बता रही हूँ उनके लिए जिनकी आपस में नहीं बन रही है, जो पति पत्नी हैं उनकी बन नहीं रही, दूरी आ गई है, मन मुटाव चल रहा है, तो उनको क्या करना है कि पान का पत्ता लेना है, उस पर सेहत से अपना और अपने पति का नाम लिखना है। पति कर रहे हो तो साथ में अपना लिखें और अपनी पत्नी का लिखें, यदि पत्नी कर रही हैं तो ये अपने पति का भी लिखें और अपना लिखें, तो दोनों को। और ये उपाय प्रेमी प्रेम का भी कर सकते हैं, अगर उनको आपस में नहीं बन रही है, ब्रेकअप हो रहा है, उनका प्रेमी दूर चला गया है या प्रेम का दूर चली गई है, आपस में अब विचार नहीं मिल रहे हैं, तो आप पान के पत्ते पर सेहत से अपना दोनों का नाम लिखिए। नाम जरूर लिखना है, ये मत भूल जाइएगा कि नाम नहीं लिखा, दोनों का ही नाम लिखना है, अकेला अपना नहीं लिखना है। फिर ये पान का पत्ता लेकर आप राधा कृष्ण को समर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो प्रेम है हमें वापस मिल जाए, हमारी आपस में बनने लगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपका जो प्रेमी है या प्रेम का है, आपके पति हैं या पत्नी है, वो फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे, क्योंकि पान प्योर बुध ग्रह का काम करता है, इससे हमारे जीवन में बहुत चमत्कारी लाभ मिलते हैं। पान के ऊपर जो चूना लगा होता है वो होता है शुक्र,
वो हमारी कुंडली पर शुक्र का काम करता है। जो कत्था लगा होता है वो होता है मंगल का कार्य करता है, मंगल ग्रह की शांति देता है। चूना शुक्र ग्रह को शांति देता है, कत्था मंगल ग्रह को शांति देता है। सौंफ डाली जाती है जो पान में, वो मंगल ग्रह को शांति देती है। लौंग डाली जाती है, उससे भी हमारे जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं, क्योंकि वो लौंग एक बहुत ही आयुर्वेदिक गुण है उसका। और ज्योतिष शास्त्र में तो लौंग के बहुत ही ज्योतिषीय टोटके हैं, तो जिससे हमारे जीवन में बहुत लाभ मिलते हैं। उसके बाद डाला जाता है गुलकंद। गुलकंद डालने से चंद्रमा और मंगल ठीक होता है। हमारा जीवन में यदि कुंडली में चंद्रमा और मंगल की दशा खराब चल रही हो, तो गुलकंद थोड़ा ज़्यादा डलवाएं पान में। भगवान को समर्पित करते समय मीठा पान जब आप बनवा रहे हैं, सुपारी रखवा रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं ना जैसे वीडियो में, सुपारी, हरी इलायची छोटी वाली, लौंग, गुलकंद और केसर है ना, तो तब ये सारी चीज़ें चूना और कत्था मिलाकर जब ये पूरा संपूर्ण बीड़ा बनता है, तब आप अगर आप प्रेम में परेशान हैं तो गुलकंद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखवाइए, जिससे मधुरता आएगी आपके संबंधों में। सुपाड़ी मंगल का काम करती है, इसीलिए कोई भी पूजा होती है तो सुपाड़ी के गणपति बनाए जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में मंगल हो, हमारा कार्य शुभ हो, मंगलकारी हो। तो पान संपूर्ण रूप से मंगल का कार्य करता है, हमारे जीवन में संपूर्णता लाता है, तो इसीलिए प्रतिदिन 2 पान अवश्य खाने चाहिए। और भगवान को भी समर्पित करना मत भूलिएगा, भगवान को समर्पित करने से आपके मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि सारे ग्रह सही हो जाएंगे, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ों के लिए, सारे नवग्रहों को शांत करने का एक अचूक उपाय है पान। आप एक संपूर्ण बीड़ा बनवाकर गुलकंद ज़्यादा रखवा कर, जिससे कि आपके जीवन में मिठास आएगी, मधुरता आएगी, और वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। कौन से भगवान को? जो आप जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, हनुमान जी, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, राधे कृष्ण, शिव जी, आप किस जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उनको संपूर्ण एक बीड़ा बनाकर समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। आशा करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। अभी के लिए विदा लेती हूँ, राधे राधे। और आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे आपको मेरे डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे तो आप बेल आइकॉन को पुश भी कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे भक्तों पर, जो ठाकुर जी के प्यारे भक्त हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। राधे राधे।